फिल्म में सबसे पहले आपको यही पता चलेगा कि घोस्ट घोस्ट की जो दिखते हैं वैसे नहीं है, बड़े नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ये फिल्म जो है कॉमेडी है। और घोस्ट को पहली बार जो है हमने कोई ना वो दीवार के थ्रू गुजरते हैं ना कोई वो डराते हैं, बेचारे नॉन वायलेंट भूत हैं। बल्कि हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि वो कोई उसे बोलता है कि हम नॉन वायलेंट भूत हैं, तो कहता है हमको वायलेंस नहीं चाहिए असल में ना, तो वो कहते हैं कि अगर वायलेंस नहीं है तो हमको क्या वायलेंस बजाने के लिए बुलाया है यहाँ पर असल में ना। तो वो दे आर टोटली दिस थिंग, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म वेयर जहाँ पे घोष जो है वो रियल लोगों की तरह एक्चुअली बिहेव करते हैं, उनको हम कभी कोई स्पेशल इफेक्ट में या ऐसा कहीं दिखाते नहीं है। मुझे सुन के यही लगा था कि बहुत फेस्टिवल सॉन्ग है, इसको दिवाली पर रिलीज होना चाहिए। Because it's a very धूमधाम वाला song, so it's a very very festivity song. अरे घोस्ट तो एक्चुअली लोग नॉर्मल लोगों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं असल में ना, तो ये एक्चुअली इसलिए खूबसूरत घोस्ट लिए गए हैं कि ताकि आपको घोस्ट से प्यार हो और आपको वो पसंद आए असल में। अब ऐसी मीरा जैसी अगर घोस्ट होगी तो डेफिनेटली उसका तो इसका मतलब है आगे से भूतों से डरना मत, भूतों से प्यार करना। ऑन लोकेशन पर सबसे खूबसूरत चीज़ है मीरा और माही, उसके अलावा ऑफकोर्स गाना और उसके साथ कोरियोग्राफी। नहीं क्या कहेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे कि माही ने कहा गाने की पिक्चराइजेशन हो रही है, हमारा आखिरी दिन है आज का, एंड वी आर ऑल ग्लैड दैट वी हैव कंप्लीटेड द फिल्म एंड नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। कमाल का गाना है, बहुत ही प्यारा म्यूजिक दिया है और गाना बहुत मस्त है और डांस कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा मस्त है, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। काश ये गाना पहले आ गया होता तो आई एम श्योर कि नवरात्रि पर हर जगह पर ये गाना चलता। या आई थिंक मैं पहली बार मैंने इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये जो मैंने नथनी पहनी है और ये आई मीन आई एम लाइकिंग द होल थिंग, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है पहनकर। प्रेशर डेफिनेटली बनता है बिकॉज एवरीबडी कीप्स आस्किंग द सेम क्वेश्चन बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव ऑलरेडी प्रूव देमसेल्व्स, तो वो एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। आई मीन यू नो लाइक शी सेड एवरीबडी वुड बी सीइंग यू, बट आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी ओवर confident, not over confident, and do your job. That's what I'm doing. Oh, but you know, मेरी दो तीन शूट गुजरात में और पुरानी हवेलीज में हो चुकी हैं शूट, तो कई बार जैसे साहिबी गैंगस्टर के टाइम पे मुझे आवाज़ें आती थी, ऐसे लगता था कि कोई रात को 3 बजे ऐसे फर्नीचर मूव हो रहा है, स्टफ लाइक दैट्स वी रियली। मैं और सोहा बैठ कर सोचते थे कि कौन करता है ये, शायद सेटिंग वाले कर रहे हैं, सुबह पता चलता था कि कोई भी नहीं होता था, तो आई डोंट नो कि वो घोस्ट था क्या था, लेकिन बट आई बिलीव इन घोस्ट, आई बिलीव इन स्पिरिट्स, आई बिलीव इन एनर्जी। सो एनर्जी में बिलीव करते हो विच इज़ नॉट लाइक नॉट टेंजिबल, तो इफेक्टिवली It's and all also I believe would be possible and touch lives. Yes, Pauly Dam actually has done a item song in the film, and there is another boy from television Aniruddha Dave, usne bhi iske andar kiya, and that is a very interesting song where all the ghosts they go to ghost bar where ghosts are allowed and they sing a song together. There is a kind of alternate world of ghost being created, कि एक real world है उसके साथ साथ एक ghost world भी है, वो भी हमें चलता है, वो दिखाने के लिए हमने ghost bar में गाना किया जिसमें Pauly Dam ने she has done an item number.